साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भैया कुवैत से रिलेटेड। जी हां साथियों, कुवैत की अपडेट बताऊंगा, अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। जो विदेश में फंसे हुए हैं भाई, इंडिया आने के लिए आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनका कुछ हो नहीं पा रहा था, उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे। फ्लाइट से रिलेटेड और कुवैत रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे क्योंकि कुवैत ने रजिस्ट्रेशन बंद कर रखे थे। आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा, वीडियो पहली बार देख रहे हैं भाई चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही जानकारी यहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं भाई कुवैत से रिलेटेड। पहले कोरोना अपडेट की बात कर लेते हैं। कोरोना अपडेट साथियों इतना मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा है कुवैत में। 29,000 के करीब अभी तक केस हुए हैं, 29,000 प्लस हुए हैं, डेथ रेशियो भी बहुत कम है, 15,000 रिकवर कर लिए गए हैं। तो रिकवर 15,000 का मतलब ये मान सकते हैं 14,000 एक्टिव केस हैं, डेथ रेशियो बहुत कम है। तो मेरे हिसाब से कोरोना अपडेट ठीक है, जल्द ही जून के अंदर इस पे काबू पा लिया जाएगा। कुवैत गवर्नमेंट अच्छे कदम उठा रही है, बहुत अच्छी बात है, ये वर्करों के लिए भी हैं। आज हम बात करेंगे भैया, देखिए इंडियन एम्बेसी है जो कुवैत, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि जो इंडिया आना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू कर दिए गए हैं। जी हाँ साथियों, क्योंकि ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पिछले 15 मई से बंद था और लोग तड़प रहे थे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें क्योंकि बहुत दुनिया ने नहीं किए थे, क्योंकि जो एक थोड़े से टाइम के लिए जितने हो सके उन्होंने कर लिए, बाकी जनसंख्या भाई इतनी ज़्यादा है कि वो नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग नहीं कर पाए, उनके लिए सुनहरा मौका है, बिल्कुल चालू कर दिया गया है। मैं पूरा डिटेल से बता दूंगा, पूरी इंक्वायरी दे दूंगा, लिंक भी डाल दूंगा वीडियो के नीचे, जाके आप देखोगे ईमेल आईडी, उनका एड्रेस, रजिस्ट्रेशन लिंक वगैरह सब कुछ है, वीडियो देखते रहिए। इसमें मैं बता दूं भाई, देखिए नंबर बाकायदा दिए गए हैं, इमरजेंसी हेतु नंबर दिए गए हैं, संडे टू सैटरडे, यानी ये नंबर बता दूं इसका टाइम है 8 बजे से सुबह शाम को 3 बजे तक का। सेकंड नंबर है इसका टाइम है शाम को 3 बजे से रात को 10 बजे तक के, दो शेड्यूल इसमें दिए गए हैं। एक नंबर और दिया गया है इन केस ऑफ इमरजेंसी, और ईमेल आईडी भी दी गई है। तो मैं वीडियो के नीचे लिंक डाल दूंगा, उसमें आप ओपन कर लीजिए, और साइड में भी स्क्रीनशॉट रख दूंगा ताकि आप देख के अपना सिस्टम आप बना सकते हैं भाई। इसमें साथियों रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक ईमेल आईडी दी जाएगी, उस ईमेल आईडी पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है भाई। ईमेल वो फॉर्म वाला सिस्टम नहीं है, ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी को आप आराम से, मैं स्क्रीन पे भी छोड़ दूंगा, आप उसको देख के समझ के फिर उसको मेल करवाना है। बहुत सारे लोग जो अनपढ़ होते हैं बेचारे, उनको मेल नहीं करना आता, तो उनके लिए भैया आपकी जिम्मेदारी है साथ वाले की, वो मेल आईडी में जो डॉक्यूमेंट क्या भरना है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा पासपोर्ट नंबर, आप कहाँ से हो, इंडिया कहाँ जाना चाहते हो, आपका मोबाइल नंबर, नॉर्मल सी इंक्वायरी भरनी है, रीज़न बताना है, बाकी अब वो पहले वाली बात नहीं रही, इतना कोई ज़्यादा मैटर नहीं है, नॉर्मल सी इंक्वायरी भरनी है ताकि उनको पता लग जाए कि भाई कौन कौन से स्टेट से कितने लोग आना चाहते हैं, ताकि वो उस हिसाब से शेड्यूल बना सकें, आगे का सिस्टम बना सकें, फ्लाइटों का शेड्यूल बना सकें, आगे अपनी व्यवस्था सरकार को दिखा सकें। जी हाँ साथियों, ये बता दूं कि आज से ये मान लीजिए स्टार्ट है, आज से स्टार्ट है, इसमें बाकायदा कॉन्टैक्ट नंबर है, उन पर बात करके कैसे भी है भाई अपना काम करवा लें। हो सकता है 5-7 दिन बाद में फिर रजिस्ट्रेशन बंद कर दें, तो जितना जल्दी हो सके फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। और रही बात टिकट बुकिंग की, तो भाई बता दूँ टिकट बुकिंग किसी एजेंट के चक्कर में या किसी और के चक्कर में ना आ जाएँ, टिकट आपको वहीं से लेनी पड़ेगी, इंडियन एम्बेसी के थ्रू ही टिकटें मिलेंगी। अभी तक का यही प्रावधान है, कोई प्राइवेट फ्लाइट या फिर ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया कि आप डायरेक्ट टिकट बुक कर लो, पैसे देने होते हैं जी, लेने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। ऑनलाइन जितने भी ऐप आ रहे हैं सब पे टिकट बुक हो रही है, लेकिन देख लीजिए पैसा मिलना मुश्किल हो जाएगा। आज से 3 महीने पहले जिन्होंने टिकट बुक करवाई थी उनके पैसे भी एयर इंडिया वगैरह किसी ने अभी तक वापस रिफंड नहीं किए हैं, तो टिकट का थोड़ा ध्यान रख ले, टिकट उनके द्वारा ही होने वाली है, तो बुकिंग करवा के रजिस्ट्रेशन करवा के इंडिया आने का जुगाड़ भाई बिठा लें। बस आज की अपडेट साथियों रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड थी, नेक्स्ट वीडियो हम और बातें करेंगे कुवैत से रिलेटेड, बहुत सारी नई अपडेट हैं जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा दें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।